Assalamualaikum everyone, welcome back to another day, another vlog. I hope आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे. तो भाई नाया ने कर रखा है मुझे शदीद तंग, और इसके चक्करों में हो गया मेरा आधा दिमाग बह. लेकिन अभी बहुत मजे की न्यूज मैं आपको ये देने वाली हूँ कि मेरी जो नंद है मरियम बाजी, उनका हुआ है एक बेटा आज ही के दिन. और अब मैं जा रही हूँ कुछ गिफ्ट बास्केट बनाने के लिए. चले हमारे साथ कुछ खरीदते हैं, कुछ अच्छे अच्छे से बच्चों के कपड़े ले लेते हैं, कुछ टॉयज ले लेते हैं, देखते हैं बास्केट में क्या डाल सकते हैं. तो अब हम खड़े हैं मॉल ऑफ सियालकोट के बाहर, आए चले मेरे साथ. अब हम लोग आ गए हैं बच्चा पार्टी सॉरी कहाँ मामा लव, ये सियालकोट का बच्चा पार्टी है बेसिकली. सेट द बैग, और नाया भाग गई है इसलिए आज मेरा मूड बहुत ऐसे ऑन एंड ऑफ खराब हो रहा है. तो ये हमें आज शॉपिंग नहीं करने दे रही है, और इस वजह से अब हो रहा है मेरा मूड लेजिट खराब. हम जा रहे हैं मामा लव कुछ ढूंढने के लिए मजे का. आ जाओ, गेट इनसाइड, लेट्स गो, आ जाओ. मैंने ये ले लिया है, एंड अब कुछ और देखते हैं. नाया ने ये ले लिया है गिफ्ट बॉक्सेस से, अब नेक्स्ट क्या लेते हैं, कुछ टॉयज देखते हैं. क्या कर रहा है बाबा आप इनाया? अच्छा अच्छा, बट पुट इट बैक, गो एंड पुट इट बैक. नो, पुट इट बैक. लेने हम आए थे तो वो ले लिए, लेकिन इस छोटे इंसान के लिए भी अब कुछ लेने के लिए दोबारा जा रहे हैं. दे दो ना टिड्डी. तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, वाला जो हमने लिया है वो बॉक्स में है लेकिन इसके कलर ज़्यादा वाइब्रेंट है. ये वाला ले लो, ब्लू वाला ले लो. डायनासोर्स आ गए. नहीं डायनासोर्स नहीं ले सकते बेटा, ये लगा दो ना. ओके चलो देखो व्हाट डिड डैड बाय. चलो जो बिलिंग करा लो, हो गया. लेट्स गो चने, हो गए ले लिए डाई ने. चलो नो बॉल नहीं चाहिए अभी हमें, जो उधर पड़ी उससे नहीं खेलना तुम. आओ केयरफुल होके आ जाओ. तो जी हमने कर ली है शॉपिंग, एंड अब हम जाएंगे और उसकी बास्केट बनवाएंगे, और फिर जाएंगे बाजी से मिलने और बेबी को भी देखने. लेट्स गो. चलो भाई ये आ गया, ऑल सेट. इसको इसके टॉयज मिल गए ऑलरेडी, पीछे जो कचरा खाना बनाया हुआ है. टॉयज और कितने खरीदने हैं तुम्हें टॉयज बिल्ली भाई. हम लोग आ गए हैं गाड़ी में, लेकिन हमजा ने लाइक ऑलवेज एक ब्लंडर ये कर दिया है कि बिल कराना भूल गए हैं एक रैटल सेट का. तो वो मैं लेने के लिए वापस मैंने भेजा है कि जल्दी से ले करो. इस बच्चों को रैटल सेट ना दिया तो क्या किया. और यहाँ पर ये मैडम अपना इतना कचरा बिखेर कर शीर आफ्टर मी के ये खोल कर. डू यू लाइक इट? तो अभी तक मेरे ससुराल में इनाया वॉज द यंगेस्ट, बट अभी इससे छोटा भी एक बेबी आ गया हुआ है. सो वी आर वेरी एक्साइटेड. अभी तक मुझे पता नहीं है, आई जस्ट गॉट टू नो अभी शाम में. जब आई वॉज एक्सपेक्टिंग इनाया, मेरा कुछ इनिशियल मंथ्स थे, फर्स्ट सेकेंड टाइप होगा, तो आई थिंक दैट इज व्हेन मारोश वॉज बॉर्न. तो मेरे लिए उससे वो बॉर्न जो है दैट वॉज द फर्स्ट चाइल्ड जो मैंने अपने ननियाल ददियाल किधर भी पहला बच्चा देखा था, पहली बार किसी बच्चे को पकड़ा था. आई थिंक पूरी लाइफ में पूरी जिंदगी का पहला न्यू बॉर्न जो मैंने शायद पकड़ा था. तो मरियम भाजी की जो ये बेटी है ना, मतलब मुझे बहुत लगता है कि ये मेरी बेटी है. मतलब द लव आई हैव वाज अनरियल. आई थिंक मुझे कभी कभी बहुत हैरत होती है कि मुझे इतनी मोहब्बत आती है उस बच्चे पे. मतलब लुक एट हर, मुझे होता है पूरी जिंदगी से बात कर सकती हूँ. तो अभी आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि उनका ही दूसरा बेबी हुआ है, एंड दैट इज अ बॉय. तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड. तो जब भी मैं कभी बात कर रही होती हूँ ना मारोश के बारे में, तो हमसे गेट्स कन्फ्यूज कि ऐसा लगता है कि तुम मारोश की खाला हो. तुम लाइक कहीं से भी उसकी मीनी वाली कोई बिहेवियर नहीं है तुम्हारा, बिकॉज आई लव दैट चाइल्ड सो मच. और ये मेरी नंद का बेटा है, अब दूसरा बेबी है, एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू मीट दिस बेबी एंड होल्ड हिम इन माई आर्म्स. तो बस मेरे सारे मैं दुनिया की सब चीज़ें खरीद लूँ, लेकिन ऑब्वियसली वी आर ऑन अ बजट ऑल्सो क्योंकि हम दूसरे शहर आए हैं और सारा कुछ. लेकिन अभी हमसे मुझे बोला हॉली बस करो क्या क्या लोगी. अभी मैंने बस रिक्वेस्ट किया है कि बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं और ले लेंगे. थोड़े से बलून्स लुक के लूँगी, गजरे लूँगी रास्ते से, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड यू गाइस. मैं बस आपको जल्दी से मिलाती हूँ अब चलकर. आ गए
moms was buying the tokris there. अब देखते हैं कितना टाइम कोई लगता है. और ये नाराज़ हुई हुई है क्योंकि इसको खाना नहीं मिल रहा. मेरा बच्चा लूट के नहीं पीछे बैठ गया हुआ है. और सबको पैक भी करना है. सारा सामान मेरे पाँव में पड़ा है. तर रहे हैं और जाके पैक करवाते हैं, फिर आपको अंदर ही दिखाते हैं. तो हम इधर आ गए हैं कैंट में. चलो अब करवाएंगे जी पैकिंग. तो बास्केट हमारी बन रही है. हियर इट इज. सो एक और काम हमारा हो गया चेक. अब जाएंगे नेक्स्ट काम है हमारा. क्या लेना क्या लेना रह गया? बलून्स लेने रह गए. तो नेक्स्ट हम जाएंगे बलून्स लेने. बट एज ऑफ नाउ हम करवा रहे हैं इसको पैक. तो दो ऑप्शन है मेरे पास. एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है. बट आई एम पिकिंग दिस बिकॉज़ दिस इज क्यूट. फिर भी हमजा से पूछ लेते हैं. हमजा दो ऑप्शन है. एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है. कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है? ये वाला ना. बस ठीक है, मुझे भी वही अच्छा लगा था. होने लग गई है बास्केट पैक. क्या कर लियो? नो. देखो कितना बिग बेयर है ये. देखो सच अ बिग बेयर. इट्स अ बिग बेयर. यस पिंक अ बेयर, ब्लू बेयर, वाइट बेयर एंड दिस वन इज ग्रे. तो अब प्रोसीजर है लास्ट मरहले में. एंड वी आर ऑलरेडी टायर्ड. हो गया है तैयार. इन भाई ने बहुत अच्छा पैक कर दिया हमारे लिए. अब हम जाएंगे और जल्दी जल्दी देंगे. बहुत लेट हो गया हमें. ऑलरेडी डाउन बेयर अभी लेकर कल लेने आएंगे. चलो आ जाओ. थैली भी पीछे रख देते. Again, फिर से होटल आ गए क्योंकि इसको दूध पीना था और डायपर भी गंदा था. अभी ईशा चेंज करेगी. परीक्षा नमाज पढ़ रही है और नमाज भी पढ़ ली लगे हाथों. अभी मैंने पढ़नी है. लेकिन तो इस सब चीज़ों में मैं आपको अपना पूरा आउटफिट ही दिखाना भूल चुकी हूँ. मैंने सोचा मैं नमाज पढ़ने आई हूँ तो जल्दी से आपको अपना पूरा आउटफिट दिखा दूँ. तो ये है इसकी नेक डिटेल्स और इसके पैंचे बहुत खूबसूरत हैं. और ओवरऑल ये कुछ ऐसा लगता है. सॉरी अवॉइड द जाय नमाज. हमजा को पढ़नी रह गई है. मैंने पढ़ ली है. तो ये है कुछ सूरत हाल. एंड आई पेयर्ड इट विद पिंक चूड़ीज इन दिस हैंड एंड पर्पल चूड़ी इन दिस हैंड. क्योंकि ऑब्वियसली कुछ तो करना था. हाँ इधर आपको शायद सही दिखेगा. कितना खूबसूरत है ये सूट. मैंने लिया था लाइम लाइट से एंड दिस वॉज अराउंड 5,500 में. हाँ मैं टू पीस था. ये इसकी शलवार की डिटेल्स. जस्ट लुक एट दिस काम. इतना हसीन लग रहा है मुझे ये. ओफ अल्लाह. और क्योंकि मैं ज़्यादा जूते नहीं लाई थी आई पेयर्ड इट विद दीज खुसाज वंस अगैन. बट आई लव दिस जोड़ा. आई जस्ट लव इट. तो ये भाई हमारे लिए सारे बलून बुला के ले आए. एक सेपरेटली आएगा इसके लिए. यह आपके नहीं है बाबा. ये आपके नहीं है. नो दीज आर नॉट योर बलून्स. थैंक यू. तो बलून्स आ गए हैं और मैंने उनको बिस्तर के इस रॉड से बांध दिया है. अगर आपको देखेंगे तो वो रहे बलून्स. और अब मैंने और फुलवाए हैं. तो वो जब खुल कर आते हैं 10-11 और फुलवा लिए. फिर हम उसको सारों बलून्स को एक साथ लेकर जाएंगे. हाउ मेनी बलून्स? ब्लू. यस. अरे मैं आप लोग को एक बहुत मज़े की चीज़ दिखाती हूँ. हुआ ये कि मेरी एक सेकंड के लिए नज़र हटी कि समझा स्प्रिंग पर एक सेकंड की नज़र हटी. और जो मैं हमेशा बताती हूँ ना कि हमारे यहाँ 5,000 के नोट फटते हैं. तो एक और फटा है रिसेंटली. मतलब एक झटके में ये बिल्ली पता नहीं क्या क्या कर देती है नया. अब दो 5,000 रुपीज़ न्यू दो मुझे. आपने क्यों फटा इसको? हाँ दे दो. आपने क्यों पनी को फाड़ दिया? What did you do with the punny? What did you do? नहीं तुमने इसको पहले ही टीयर कर दिया. देख लो. बहुत भूख. तो मैंने जल्दी से अपने लिए दो कबाब बनवा लिए हैं और इनाया अपने लिए फ्राइज. ये आ गई मेरी सॉसेस जो मैं 4 दिन से चला रही हूँ क्योंकि बहुत मज़े की हैं. इनके साथ जल्दी जल्दी खाऊंगी. हम जस्ट वॉचिंग हिज शो एंड उसके बाद हम जाएंगे. क्योंकि सच्ची बात यह है कि मैं जाती अगर खाना मांगना शुरू कर दूंगी कि मुझे खाना दो तो लोग क्या सोचेंगे. एंड बिकॉज आई डोंट ईट अ लॉट तो मेरे लिए किसी को उठ के पूरा एक रोटी वोटी बनानी है चढ़ानी पड़े मंगानी पड़े वो आई डोंट वॉन्ट. तो अपना खा कर जाए इंसान कि किसी को जहमत ना दे. ठीक
है जी, तो ये रही मेरी सॉसेस, आई गॉट देम फॉर 290 रुपीज़ की, पाँच ती दो खा लिए और बाकी के ये हालात हैं, बट दे आर द बेस्ट सॉसेस एवर। अब मैं ये ख़त्म करूँगी और फिर हम चलेंगे। ये वो इंसान है इसने कहा था मैं नहीं खाऊंगा और अब आके बैठ गए इधर खाने के लिए। मैंने कब बोला? You said मैं नहीं खाऊंगा, I'm not hungry, उधर जाके अगर कुछ खाना होगा तो खा लूंगा। झूठा। So you guys, we are all set to go. अब मिलते हैं गाड़ी में ये नोट बदली कराने के बाद। उसको चाहिए सारे बलून्स। मैंने दावा बोल दिया है। धावा दावा balloons balloons nahi balloons chalo door to band karo iske baby ke paas bhej jaye sari sisters lekin koi bhi bas kiss nahi karega okay yay तुम तीनों तो दूर दूर क्यों करीब करीब आओ ना। नो बडी शुड टच एंड नो किस ओके। ये बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये कलर बड़ा मजे का लग रहा है। कोरमा है कि कढ़ाई है? कोरमा है। बताओ अपने चैनल का नाम। फिर मुड़ गए, ऐसे कैसे मिलेंगे सब्सक्राइबर्स आसान। हैप्पी बर्थडे। का आपने आप खाओ। मैं खा नहीं, दूसरों को खिला रही हूं। मैं क्या कर सकती हूँ? मम्मी को खिला दो बेटा। नहीं मम्मी भी नहीं खाएगी। नाय की दुनिया ही अलग है ना। कर दो डांस। ना तो मैं बहुत इंसान। नबिया मुझे टपक ना जाए। देखो खड़ी थी अभी थोड़ी देर में। इनाया इतना कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। नहीं दे दो, छोटा है ना अभी। अब ना वो देखना, हाँ पकड़ लो। आपको भूख लगी? आपको खाना खिलाऊं? ट्विंकल ट्विंकल। नहीं बेटा छोड़, देखो उठ रहा है। देखो बेबी कितना क्राय कर रहा है। आपने बेबी वेकअप कर दिया? ओह नो। हम तो एक मिनट ऐसे करें ना ऊपर। क्या करना? नहीं, नहीं मैं अपने आप को ले भी नहीं रहा, मुझे लेटना पड़ रहा। मैं क्या करूँ बना लेना। मुझे नहीं आता ये। वापस नहीं आता स्किन। कुछ नहीं होता, करो क्या हो गया। आहा नहीं दे नहीं सकते। नहीं ला ये अच्छी बात नहीं हो रही है लेकिन। ये मुझे पता है, मैं ऐसे सोच रही थी क्योंकि मैं इतनी अच्छी प्रो नहीं हूँ ना व्लॉगिंग में, तो मतलब जो बंदा बेचारा व्लॉग कर रहा होता है ना वो कभी खुद वीडियो में ज़्यादा नहीं आ पा रहा होता, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी कैमरा ऐसे शू 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 शू, शू नहीं बदल पाती हूँ, उस वजह से मैं ज़्यादा खुद नहीं आ पाती हूँ व्लॉग में। पर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी कोई वीडियो सही से ज़्यादा देर तक की बनी ही नहीं, क्योंकि मैं इसकी बना रही थी या सब लोग की बना रही थी तो मैं अपनी किसको बोलती, तो मुझे बड़ा दुख है। बट आई ट्राइड हमजा के थ्रू, बट अच्छी नहीं बनी, बट क्या कर सकते हैं। पर यह बड़ा मुश्किल है व्लॉगिंग करना ना, लोगों को लगता है आसान लेकिन कैमरा जल्दी जल्दी पलटना इज़ अ स्किल जो अभी मुझे बहुत जन्म लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। बट आई एम ट्राइंग एवरी अदर सेकेंड एंड इट्स सो टफ। मेरी नाक क्या कर सकते हैं। तो जी हम वापस आ गए हैं होटल में और इनाया सो चुकी है, गाड़ी में ही सो गई थी और अब मेरी भी हो गई है बस, क्योंकि सुबह से आई हैव बीन आउट इतनी धूप में ऑन एंड ऑफ शॉपिंग करने जाना, फिर कुछ और कोई थोड़े थोड़े काम करना, वो सब कर आके फिर बार बार दो बार मैं वापस आई हूँ होटल, बीच सारे काम छोड़ छाड़ के नमाज़ पढ़ने, तो बड़ा सर दुख गई है। अब इशा पढ़नी रह गई है, इशा पढ़ते हैं और उसके बाद सोते हैं,
और इसी के साथ अपने ब्लॉग को ख़त्म भी करते हैं। आई जस्ट वॉन्ट कि आप सब मेरा भांजा वो भतीजा हुआ और हमने नाम माशाल्लाह रखा है सुल्तान, हमने नहीं मतलब उसकी मामा ने उसका नाम सुल्तान रखा है, तो कंफर्म हो गया, सुल्तान अहमद। पर बताओ तो मेरा भांजा हो या कि भतीजा? अच्छा, पर अगर मेरा भांजा है तो भी और मेरा भतीजा है तो भी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब उसके नसीब के लिए अच्छे से दुआ करें, क्योंकि बेटा हो या बेटी नसीब के लिए सब बच्चों के लिए दुआ करनी चाहिए, हर किसी को नसीब तो सबके ही है, राइट? तो सबके लिए नसीबों के लिए दुआ करनी ज़रूरी होनी चाहिए। तो प्लीज़ मेरे भांजे या भतीजे जो भी बनता है मेरे रिश्ते में, उसके लिए आप ज़रूर ज़रूर एक मिनट निकालें और अच्छी सी कोई प्यारी सी दुआ मेरे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और विद दैट अब मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।